सतनाम वाहे गुरु साहिब जियो बिलावल महला पंजवा चरण कमल का यासरा दीनो प्रभ्याप प्रभ शरणागत जन परे ताका सद प्रताप चरण कमल का आसरा दीनो प्रभ्याप प्रभ शरणागत जन परे ताका सद प्रताप राखन हार अपार प्रभ ताकी निर्मल सेव राम राज राम दास पुर कीने गुरुदेव रहा सदा सदा हर त्याई है किछ बिघन न लागै नानक नाम सलाही है पहे दुश्मन भागै सदा सदा हर तिहाई है किछ बिघन न लागै नानक नाम सलाही है पहे दुश्मन भागै। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल शब्द सतगुरु तन तन गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु पातशाह जी दी अपार बख्शिश शाम समय सत्संगत दा समाए पल सी प्राप्त कीते ने आप गुरु हजूर हाजरीन हो पा रहे हो या करां थावां तो टेलीविजन राही अते होर मीडिया सोर्स राही गुरशब्द दे नाल सुरत्याप हो रहे हो वडभागी हो। इस समा रूटीन दी कथा दा है रेगुलर बेसिस ते जो असीं गुरबाणी दी व्याख्या करदे हां उस अंदर बिलावल राग दे दूप दे गुरु अर्जन पातशाह द्वारा उच्चारण किया गया संदेश सानू प्राप्त है। इस लड़ी विच अगलेरा शब्द आपने सरवण किया है जो रोजाना कथा वार्ता दे नाल सांझ पाउण वाली संगतां ने दे ऑलरेडी नो दैट कि जदों असीं शब्द की व्याख्या करते हाँ रहाओ दे पद पदे तो प्रारंभ करते हाँ क्योंकि उहदे विच मुख सुनेहा है पूरे शब्द का। सो इस पावन शब्द की विचार का आगाज भी इतों ही हो रहा है। गुरुदेव जिक्र कर रहे ने राखन हार अपार प्रभ ताकि निर्मल सेव राम राज रामदास पुर कीने गुरुदेव रहाओ। राखन हार अपार प्रभ ताकि निर्मल सेव राखन हार जो रख्या करन दे समर्थ है इहदे च है कि मदर नेचर का एक सारा बनाया हुआ जाबता आ जिसनों असी हुक्म कह सकते हाँ या लॉ ऑफ कॉजमो कह सकते हैं। उस रूप दे विच जे कोई चीज़ अपने किसी रूप किसी शेप दे विच आ तो उसकी होंद किन्ने समय लिए किस तरीके की है ये भी मदर नेचर ने नाल ही तय कर दिता है। एक विनी एक इनविजिबल ला नाल ही काम करता है। जिवें शरीर है मनुखा शरीर की गल करिए तो ये है कि यदि एक पैदाइश होंदी है फिर एक विकास होंदा है दा ते अल्टीमेटली भावें बहुत नैचुरल वे नाल जियो बड़ा केयर करो कोई एक्सटर्नल इंटरनल कोई इशू ना आवे
एक टाइम आउंदा जो ये शरीर अपने आप देच ओदी होंद रखनी होना नामुमकिन हो जाती है। सो सिस्टम उस रूप में अपने आप एक्सपायर होना शुरू हो जाता है। उस तरीके तत् तत्तां दे विलीन होंदे ने। सो ये जाबता आ कुदरत दे बनाए हुए हर रूप दे हर जगह दे उते। फिर भी है जो उसने बनाया जो उन्हें साजिया जो होया उसनू उस होंद विच किवें बरकरार रखना आ उहदे सर्वाइवल वास्ते कोई इहो जी स्ट्रैटेजी कोई इहो जिहा तरीकेकारता कुछ ना कुछ उहदे प्रति भी कुदरत ने उसनू कुछ बख्शिया आ। जिसपोज सरल भाव विच लिया जाए तो आपां देखदे आ कि बहुत सारिया चीज़ा छोटी तो छोटी जी मिसाल ली जाए तो उहदे च इह है छोटे जिहा कोई जानवर आ उहदे सर्वाइवल वास्ते उहनू भी कुछ स्ट्रैटेजी दित्ती है रख्या वास्ते। भावें कीड़ा मकौड़ा ही है उहदी होंद उस रूप विच बरकरार रहे उहदी रख्या वास्ते उहनू कोई स्किल कोई हुनर कोई उहदी उस तरीके की पाया उहदे कोल है तां ही उह सर्वाइव कर रहा उत्थे। उहदे आले दुआले उहनू शिकार करन वाले जानवर भी होंदे उहदे लई आले दुआले तो कुछ एनवायरमेंट चैलेंजेस भी होंदे पर उह सारिआं दे विच कुदरत दे हुकम विच उह चीज़ है। हाँ जे उह हुकम टुट जाए तो डेफिनेटली बहुत सारिया चीज़ा इलीमीनेट भी हो जांदियां धरती तो। कदी डायनासोर सीगे इत्थे बट आफ्टरवर्ड जिवें एवोल्यूशन दा कॉन्सैप्ट आया एवोल्यूशन दे उस कॉन्सैप्ट जिवें बयान किया जाता है वह इलीमीनेट हो गए। सो एक पूरा दा पूरा साइकल चलता उस ढंग दे नाल। पर क्योंकि मनुखां दी दुनिया दे विच कुछ हज़ार सालों तो कह लो या लखां तो भी हो सकता है जिस तरीके दी सोसाइटी बनी सोसाइटी दे विच बंदे ने कुछ अपने इंटलैक्ट दी मदद दे नाल बहुत सारिया आइडियोलॉजीज थ्योरीज डिवेलप कीतियां उन्हां दे विच वड्डा हिस्सा इह वी रहा कि कोई सुपर नैचुरल पावर तुहाडी हैल्प करन वास्ते आएगी। इत्थे फिर जिहड़ा आ रख्या दा एक वक्खरा संकल्प शुरू हो जांदा है उहदे लई फिर बंदे नूं बिलीव भी होना शुरू हो जाता फिर उस तरीके की रावां भी आउंदियां ते इस सारे दे नाल कुछ बंदा कहिंदे कोई लोग कहिंदे दा बेनीफिट भी हैगा आ सोसाइटी दे विच कुछ लोंग रन च कहिंदे नहीं नहीं बंदा इहदे नाल स्लेव बन जाता फिर हौली हौली करके अपनियां मुश्किलां तकलीफां लई कोई नॉन एग्जिस्टिंग चीज़ जिहड़ी लभ रहा हुंदा। इत्थे फिर जे असीं गुरमत स्कूल विच आ जाइए कई वारी सारियां गल्लां करदा है बंदा सोचता है कि भाई साहब डोंट यू थिंक वी आर बिकमिंग एथीएस्ट इस तरीके की गल हो रही है। पर बाणी दे संकल्प नूं देखांगे तो बाणी कह रही है कि रख्या उन्हें कितों बाहरों नहीं करन आउणा उन्हें तेनों ही एबिलिटी दित्ती है तेरी रख्या की तो हर चीज़ च पाई उसने सिर्फ यह है कि उन्होंने तेनों एहसासन ते समझण दी लोड़ है। जिवें सपोज इहनूं सरल कर लिया जाए बहुत सारे लोगों नूं नट्स एलर्जी होंदी है। मैं कोई छोटी जिही डॉक्यूमेंटरी देख रहा सी इहदे ते नट्स एलर्जी दे बाबत उन्होंने कहा कि इहदा कारण की हुंदा क्योंकि जिहड़े जिन्ने तरह के नट्स ने एक्चुअल लैवल ते जो पक्के होण तो बीज ही होंदे ने सीड होंदे ने अगे उगण वास्ते नट्स नूं खाण वास्ते जिवें स्कोरल्स हैगियां ने जां सारे जानवर खाण लई तैयार ने। तुसीं जे कोई इस तरीके का सपोज करो पीनट्स कह लो या ग्राउंड नट कह लो ग्राउंड नट्स कह लो उन्हां नूं तुसीं बीज दिओ मूंगफली छिलके समेत उस तरीके नाल ते जिहड़ी स्कोरल आ जिहड़े उहनूं जानवर खा रहे ने उहनां वास्ते ते उह बड़ी वधिया चीज़ आ। बल्कि जो कोई बीज के गया थोड़ा उह जिवें थोड़ी गरमाइश आएगी मिट्टी की उस तो पहला मिल के स्कोरल खा जाएगी गरमाइश आएगी जिहड़ा बैक्टीरिया है उहदे विच वो खा जाएगा उन्हों पर उन्हें तो उगना आ जे उगना तो उसनों फिर मिट्टी दे उस होंद च अपने आप मर्ज करके तो उसनों जिहड़ा हैगा उहदी नैक्सट स्टेज आनी चाहिए है कीड़े मकौड़े आउण ही ना देण उहदे तक क्योंकि उन्हां दा फूड है कुदरत ने उन्हां नूं विच रख्या। पर होया कि पता लगा कि जिहड़े मोस्टली नट्स दे विच एलर्जी होण दा कारण इह बणदा कि मदर नेचर दे उस बने हुए ला दे विच ही
ਜਦੋਂ ਉਹ ਨਟਸ ਇੱਕ ਸਰਟਨ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੋਇਸਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲਿਓਂ ਪੋਇਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਨੂੰ ਉਸ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਨਟਸ ਖਾਣੇ ਆ ਤਾਂ ਭਿਉਂ ਕੇ ਖਾਓ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੋਇਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਆ ਉਹ ਐਟਲੀਸਟ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਨੈਚੁਰਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਰਿਆ ਆ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਖਾ ਲਓ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਲਰਜੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੋਏਗੀ, ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਹ ਬਾਤ ਇਹ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ 20-25 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਰਿਸਰਚ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਸੋ ਕਿ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਜਿੰਦ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਈਵਨ ਗ੍ਰੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਗਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੇਨ ਦੇ ਸੀਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੂਗਰ ਦਾ ਲੈਵਲ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਉਹਦੀ ਸ਼ੂਗਰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਖਾਏਗਾ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਣਾਈ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ ਬੀਜ ਨੂੰ ਸੀਡ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ। ਅਤੇ ਉਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਸਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਜ਼ਹਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਨਾ ਖਾ ਜਾਣ। ਪਰ ਕੁਦਰਤੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ, ਮਦਰ ਨੇਚਰ ਦੇ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਨ ਬਿਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਿਵੇਕ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ ਕਿੱਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ, ਹਰ ਵਿਪਤਾ, ਹਰ ਮੁਸੀਬਤ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੋਸਟਲੀ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਫਿਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੁਸੀਬਤ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪਹਾੜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਵੀ ਰਾਖਨਹਾਰ ਅਪਾਰ ਪ੍ਰਭ ਤਾਂ ਕਿ ਨਿਰਮਲ ਸੇਵ। ਦੂਸਰਾ ਦੂਸਰੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਰਾਮ ਰਾਜ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ ਕਿਨੇ ਗੁਰਦੇਵ। ਰਾਮ ਰਾਜ ਰਾਮਦਾਸਪੁਰ, ਰਾਮ ਰਾਜ ਇਹ ਜੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲੋਕ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਜੋ ਉੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੂਵ ਆਇਆ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ 10-15 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਬਾਤ ਬੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਭਾਰ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਮੋਹਨਦਾਸ ਕਰਮਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਅਲੀਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਲੀਟ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਇੱਕ ਆਈਡੀਅਲ ਸਟੇਟ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਈਵਨ ਬਾਣੀ 'ਚ ਜੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ ਦੂਖ ਅੰਦੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਠਾਉਂ। ਇੱਕ ਬੇਗਮਪੁਰਾ, ਉਸ ਬੇਗਮਪੁਰੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬਾਤ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਬਾਹਰ ਵਸਦਾ ਹੋਇਆ ਉਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸੇਗਾ। ਜੇ ਉਵੇਂ ਵਸਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਇਸ ਅਮੈਰੀਕਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਲਿਬਰੇਟ ਕਰਕੇ, ਪੂਰੀ ਲਿਬਰਟੀ ਦੇ ਕੇ, ਪੂਰਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਕੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸ ਇੱਥੇ, ਮਤਲਬ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਤਹਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਾਧੂ ਤੋਂ ਵਾਧੂ ਲਿਆ ਕੇ ਵੀ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੈ ਇੰਨੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਸਟਰੀਟ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰ ਇਸ ਰੂਪ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਇੰਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਆ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਸਟਰਕਚਰ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਇਤਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਟੇਟਸ ਨਿਊਜ਼ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਗਨ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ, ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਐਗਰੈਸ਼ਨ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਬਈ ਨਰੋਲ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬੇਸ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਲਾਅ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਕੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਇੰਡ ਆ, ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਦਸ਼ਾ ਆ,
जिस मानसिक दशा नूं बंदे ने अटेन करना है तो फिर अपने फैमिली विच अपनी नेबर विच अपने आले दुआले अपने आर मुहल्ले दे विच तो फिर ऑल ओवर सोसाइटी दे नेशन विच उहदी एक्सरसाइज करनी है। इहदे विचों अपने सुधार की अवस्था वधदी है, दूसरे की गलती नूं देख के अंडिट करन ते टॉलरेट करन की अवस्था वधदी है। इत्थों शुरुआत हुंदी है क्योंकि परफेक्ट तो कोई भी नहीं हैगा, गलतियां धरती ते होणगियां, अपने तो भी होणगियां, दूजियां तो भी होणगियां। संसार दे विच चलदिआं होइआं कमियां खामियां हर चीज़ रहेगी, पर उस सारे दे अंदर एक बैलेंस्ड वे दे नाल किवें जीणा इह रूप है। गुरु साहब ने इहदी बात कीती, हाँ जे तुसीं किसे बहुत आइडियल स्टेट मॉडल नूं या सोसाइटी मॉडल नूं या नेशन मॉडल नूं लिआउण दी ट्राई करोगे तो फिर सुपनियां दा हिस्सा रह जाएगा, रियलिटी च कदी भी नहीं आएगा। इहदी मिसाल बनिया जदों पंजाब दे विच कम्युनिज़म दा बड़ा बुखार चढ़िया लोकां नूं ते खास करके प्रीत नगर बनाने की ट्राई की, एक असी तो साढ़े वड्डा हिस्सा इत्थे बड़ा यंग है, ईवन आई एम नॉट क्वाइट फेमिलियर विद दैट, मेरे तो थोड़े एजड लोग ने जिहड़े अकैडमिक लैवल ते इनवॉल्व रहे। नागमणी जदों मैगजीन निकलती होंगी सी अमृता प्रीतम कढ़दी सी ते होर लिटरेचर पंजाबी लिटरेचर दे च इक पूरा दा पूरा प्रगतिवाद दा प्रोग्रेसिजम दा जिहड़ा है पूरा दौर आया, उस दौर च सब एफर्ट पाई गई, अखीर बड़ा वड्डा फेल्यूर होया क्योंकि बहुत हायर आइडियल थॉट नूं अर्न करन दी यत्न किया गया ते जिहड़ा ह्यूमन बिहेवियर ते ह्यूमन जिहड़ी एबिलिटी है ये नो डाउट है ते बड़ी बड़ी मतलब पावरफुल आ, पर कॉम्पलैक्स बहुत आ। इस नूं मतलब जिहनूं असीं बाबा कबीर दा बचन पढ़ीए, बाणी च आ जांदे फिर वापस, बाबा कबीर जी कहिंदे कबहूं जीड़ा ऊब चढ़त है कबहूं जाए पयाले, लोभी जीड़ा थिर ना रहत है चारे कुंटा पाले। मेरी हालत है कबहूं जीड़ा ऊब चढ़त है, जिवें बंदा मूड स्विंग करता है, सोच ख्याल तुहाडे सब वो इस तरह चलते, इत्थे है बंदा बड़ी हायर लैवल दी आइडियोलॉजी दीआं गल्लां हो रही ने, बड़ा सुपीरियर लैवल ते सोच रहा है, बड़ा वाइज किस्म की सारी गलबात हो रही है, पर इह सारे नूं सोच के सुणदिआं पढ़दिआं बोलदिआं करदिआं भुलेखे च ना रहे वी वाइज हो गया ना। उही सेम पता नहीं अगले पल की होएगा, किहड़े खूह च डिग्गा होएगा। सो यह है लगातारता दे नाल अपने आपे ते काम करना, एहो जी कोई इंस्टीट्यूशन कोई संस्था को आले दुआले दे विच मुहाज विढ़ना जिहदे च हमेशा अपनी सैल्फ इंप्रूवमेंट वास्ते सैल्फ बैटरमेंट वास्ते कितना कितने कोई सानू गाइड करे समझा, यही संगत है। यही एक इंस्टीट्यूशन गुरु इंस्टीट्यूशन बिल्ड किया गया कि उहदे कोल आओ ते यह एहसास करो कि भाई हर रोज शीशा वेखना, जिवें एक रंग होर ऐड कर देना दे नाल आपां नितनेम कर देना, तो कई बार सज्जन कहिंदे वी नितनेम दे विच इहदा परपज की है, बड़ी खूबसूरत व्याख्या की दानिया ने सियाणिया ने, वह कहिंदे वी जिवें साडा कैमरा लगा साडे सामने तो कैमरे की एक कमी यह हैगी कि जे एक समय तुसीं एक चीज़ ते दो चीज़ां ते फोकस करन की ट्राई करोगे दोनों धुंधलियां हो जाणगियां, जो दो तस्वीरां कढ़न की ट्राई करोगे ते तुहानूं एक समय इक्को चीज़ ते ही जिहड़ा हैगा उहदा फोकस लाउणा पएगा। मगर जदों असीं मन की दुनिया देखते हाँ मन दियां ते वैसे तो इहदे अंदर कह लो कि एक तरह के नाल मल्टी लैंसेज हैगे ने, इस करके साडे अंदर इतने ज़्यादा थॉट्स इक्को समय लेयर बाय लेयर ऐड हो जाते हैं, पर कहिंदे एटलीस्ट दो तरह दियां पिक्चरां साडे मन जरूर बननियां चाहीदियां ने। जो तो आपां पाठ कर रहे हैं पाठ करदे जो पाठ की राह कुछ राय कुछ थॉट साडे सामने आउंदे अपने आप नूं मुबाइश करके देखिए, अच्छा पाठ ये कह रहा है मैं की बन गया हूँ, अपने आप नूं गोखना मेरी आ हालत बन गई, आइडियल ये है मैं आ बन गया, एक तो यह तस्वीर, दूसरी ये हुण मैं बनना की है मैनू की बनना चाहिए है, ये दोनों साफ होंदियां लगियां जाण समझो इंप्रूवमेंट होने की जिहड़ी है संभावना वध जाएगी। सो इस रूप दे विच आ ते ए जिस बेगमपुरे दी या रामराज दी गल हो रही है
मन तो शुरू हुंदी है गल। इस करके महाराज ने कहा सी मन जीते जग जीत। जे मन दे पद्धर ते नहीं जीतेगा जगत दे पद्धर ते जेतू होके विहार जाएगा। जे वो चीज संसार विच देखी जाए तो ये जो आप अलैगजेंडर द ग्रेट जिन लोग कहिंदे ने उहदा जीवन यापन पढ़ते हैं विश्व जेतू होने का सुपना तो सब चीज़ा उहदे समय दे विच बहुत सारे सियाने लोग सीगे ग्रीक दे विच उत्थे यूनान दे विच अरिस्टोटल का तो स्टूडेंट सीगा उत्थे एक होर बहुत मतलब सूफी कह लो पर सूफी तो बहुत बाद ही थॉट आया पर एक तरह के नाल बड़ा जिन्हें संसार नू कंप्लीट रिनाउंस कर दिता सी उस शख्स तो हैगा बहुत इंटैलीजेंट सीगा। कहिंदे कदी अरिस्टोटल ने उन्हूं कहा भी जे मौका मिले ना ते उहदी कंपनी जरूर करी ते उह हुण राजा बंदा सीगा उह कहिंदा मौका मिले जे राजे नूं मौका नहीं मिलेगा फिर किहनूं मौका मिलेगा। उहने बंदे भेजे कहिण लगे उहनूं बुला के लियाओ। उह बंदे तुर गए बुलाउण वास्ते। फिर सोचिया भी उहदी कंपनी करनी है संगत करनी है ते फौजी लोग ने सिपाही लोग ने ते किते डिसरिस्पैक्ट वे नाल उहनां नाल पेश आउण। कहन लगा कि उन्होंने जाके ना मेरे वालों रिक्वेस्ट कराया जे फोर्स ना कराया जे। ठीक है जी वो चले गए जाके उन्होंने लभ्या लभ के कहन लगे भी तेरे वास्ते मैसेज आ तेनों किंग याद करता है। वो कहने बड़ी चंगी गल है याद करना तो बड़ा वधिया। वो कहने नहीं नहीं तू समझा नहीं गा असल दे विच तेनों मिलना चाहता है पर कहने मैं तो नहीं मिलना चाहता। वो कहते अच्छा हूँ उन्होंने कहा भी उन्हें क्या कहा रिस्पैक्टेड वे मिले जो हूँ और तो कुछ कर नहीं सकते उन्हें वापस आके स्नेहा दिता भी कहें भी गल यह है कि असी उन्होंने कहा तो असी क्या किंग तेन मिलना चाहता है तो वह कहें भी मैं तो नहीं मिलना चाहता। तो वह कहते भी गल तो ठीक है वाकई जी लोड़ तो मेरी ही मिलना तो मैं चाहना। फिर वो आप आया वो जो तो आप आया तो आके उन्होंने कहता कि गल यह है मैं तेरे तो कुछ वाइज थॉट्स लेना चाहना कोई विजडम दे मैनू। कहन लगा बहुत प्रीशियस चीज़ है मैनू नहीं लगता तू तो डिजर्व करना ये तेनों नहीं मिल सकती। वो कहते नहीं नहीं कोई ऐसी गल नहीं हैगी तू प्राइस दस दी आई विल पे। वो बड़ी जोर ला ला के हसया बड़ी लंबी चौड़ी कहानी टूक मात्र मैं बयान करा। वो कहता की होया कहन लगा भी जेड़े मेरे गुलाम ने तू उन्हां दा गुलाम है तू मैनू पे करेगा सोच के देख। ये गल सिकंदर नू समझ ना आवे हाथों कही राजा मैं आ बादशाह मैं आ ये स्ट्रीट मैन आ ते मैनू किवें कह रहा। वो कहिंदा भी गल यह है नो डाउट तेरे बारे मैनू अरिस्टोटल ने भी कहा भी तेरे तो वाइज बंदा कोई नहीं गा तो तू विजडम का ओशन है उहदे लफज सीगे मैनू तेरे तो कुछ समझ चाहीदी है पर आ जिवें तू मैनू गल दस रहा है भी मेरी तो समझ तो परे है भी मैं राजा तू कुछ भी नहीं तो तू मैनू कह रहा है कि जेडे मेरे गुलाम ने तू उन्हां गुलामां दा गुलाम है तो तू मैनू की पे करेगा। कह लगा ठीक यही तेनों मैं समझाने लगा तू बहुत मूर्ख है यू आर एक्चुअली वह कहिंदा टॉप मोस्ट फूल आई हैव एवर मैट। खैर सिकंदर की खासियत कहिंदे ये सीगी कि होर जो मर्जी हो उहदे च ईगो बहुत लोअर लैवल ते सी तां ही उह सारे की गल सुन लैंदा सी। इसे करके उसने जदों पोरस नाल भी गल की तो पोरस नाल बड़े हलीमी नाल बराबरी ते गल की उहनूं पुछिआ इह दस तेरे नाल विहार की कीता जाए हुण है ना। तो उह कहिंदा भी जिस गल ते आया तो फिर तो उही विहार बणदा जिहड़ा राजे नूं राजे नाल करना चाहीदा। इत्थे फिर उहदा दिल जित्तिआ गिआ सीगा उन्हें कहा भी वाह नो डाउट बंदा अपनी जमीन वास्ते लड़िया उहदा हक बनता लड़ना पर यह भी सच्चाई है कि बंदे दे कोल जिथे समझ भी है तो उत्थे पता भी है कि बंदे का रुतबा की है। इस चीज़ चेते रखिया जे माफी चाहागा मैं इस रूप में बात कर रहा पर जे मैनू खुद मेरी रिस्पैक्ट का पता नहीं ना दुनिया मेरी रिस्पैक्ट नहीं करेगी बिकॉज मैं अपने नहीं पता मेरी रिस्पैक्ट की है। ये तो आड़े विच्चों ही रिफ्लैक्ट होकर दूजे को जाती है।
ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ ਲੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 'ਚ ਲੂਜ਼ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨੀ ਆ ਗਈ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਹੈ ਸੈਲਫ ਡਿਗਨਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪੇ ਕਰੇਗਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਟੋਪ ਮੋਸਟ ਫੂਲ ਮਿਲਿਆ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ, ਮੂਰਖ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ, ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਯੂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੰਫਰਟ ਮਿਲੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਾਣ ਪਾਣ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਮਗਰ ਬੰਦਾ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਭਟਕਣ ਦਿੰਦੇ, ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਿਪ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ, ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਖੁਦ ਹੀ ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਲੈਣ ਆਪਣਾ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮਾਈ ਗਾਸ਼ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ 8-8 ਘੰਟੇ ਸਕਰੀਨ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ, ਸਲੇਵਰੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਨਵਿਜ਼ੀਬਲ ਵੇਅ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬੰਧਨ ਪਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਖਾਣ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰ ਲਈਏ, ਸੁਣਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਭੋਗ ਬਿਰਤੀ ਦੀ ਹਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ, ਅਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗੁਲਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਿਪ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਯੂ ਨੋ ਯੂ ਆਰ ਦਾ ਸਲੇਵ ਆਫ ਮਾਈ ਸਲੇਵਸ। ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਸਨੇ। ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨਾ ਐਫਰਟ ਪਾ ਸਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਹੈਬਿਟਸ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹਾਂ। ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਵੀ ਆਰ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਫਰੀ ਕੰਟਰੀ, ਵੀ ਆਰ ਟੋਟਲੀ ਫਰੀ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਆਲ ਦੈਟ। ਵੀ ਫਰੀ ਕਿਹਦੇ ਤੋਂ ਫਰੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ? ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀ ਆਦਤ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਗਣੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਾ 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 ਨਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਰਮੀ ਹੋਈ ਹਸਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਕੇ ਮਨ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਬਾਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਜੋ ਬੰਦਾ ਮਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਉਹੀ ਸਮਾਜ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਿਉਂ ਆਉਣ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਡਿਗਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਖਰੀਦ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਮਨੀ ਫੰਡ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਊਰੋਕਰੇਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਾਣਾ ਪੇਟਾ ਆ ਇਹ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਜ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰਸਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਹੀ, ਫਿਰ ਰਾਮ ਰਾਜ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ? ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਅਵਤਾਰ ਆ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਤਾਂ ਸੈਲਫ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚੇਤੇ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵਿਗੜਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਪਰ ਸੁਧਾਰਦਿਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਪੂਰੀ ਉਮਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਨਾ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸੋਨਾ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਬਸ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਬੀਰ ਗਰਭ ਨਾ ਕੀਜੀਓ, ਰੰਕ ਨਾ ਹੱਸਿਓ ਕੋਏ, ਅਜੋਂ ਸੁਨਾਓ ਸਮੁੰਦਰ ਮੈਂ ਕਿਆ ਜਾਣਾ ਕਿਆ ਹੋਏ। ਉਹ ਭਲੇ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਥੇ, ਅਜੇ ਬੇੜੀ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਆਉਣੀ, ਕਿਹਨੇ ਡਬੋ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਜੇ ਅਜੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਪੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
फिर इन बिन होर समाजां दे च होर जगह दे उत्ते भी इसे रूप दे च बंदे नूं अग्रसर होना चाहिए। महाराज कहिंदे इस सारे वास्ते ते जिहड़ी मनुख की रख्या आ, मनुख की रख्या अवेयरनैस, जिथे असी अपने जिहड़े गार्ड डाउन करते हैं उत्थे मारे जाने हैं, तो गार्ड अप करने बंदा कहेगा तो भाई साहब बड़ा औखा काम आ। पर यह है कि विश्वास करतार ते रखना ते विवेक दा पल्ला फड़ना। इस करके बाणी च बाबा रविदास जी ने बचन कहे सीगे कि आ काम ना करें, माधो अविद्या हित कीन। सब तो वड्डा जिहड़ा साडा रक्षक हुंदा साडा दोस्त हुंदा, ते दोस्त तो जिहड़ा हर जगह ते हर वक्त हर गल दा राजदार हुंदा साडा, ते जिथे किते कोई माड़ी जी मुश्किल बणे बाह फड़दा हटे। बाहर दे दोस्त कितना कितने हो सकता कोई जवाब दे देन। एक दोस्त है जिहड़ा लगातार तुहाडे नाल रह सकता है, वह पता की है अपने आप नूं हमेशा लिटरसी दे लैवल ते स्ट्रोंग करते रहना। इस सुभा इहदे नाल दोस्ती ला लैणी, जे इहदे तों दोस्ती टुट गई ये हितू ना होया असीं डुब्बांगे। जे अपनी सैल्फ इंप्रूवमेंट करांगे शब्द के तौर पर ज्ञान के तौर पर समझ के तौर पर रख्या होएगी, ये रख आया साडा बाणी कहती इहदे विचों ही फिर उहदी जोत रवदी साडे अंदर, फिर बंदे नूं एबिलिटी मिल जाती समर्था। उस रूप च बचन आ रहा है, सब कह रहे हैं दिच कि राखन हार अपार प्रभ तां कि निर्मल सेव, उहदी सेवा च लग जा, उहदी सेवा नाल ही उहदी रख उत्तरे रखक बनेगा। राम राज राम दास पुर कीने गुरुदेव, ते फिर गुरुदेव जिहड़ा गुरुदेव आ जिहड़ा वह डिवाइन इनलाइटमेंट का सोर्स आ, वह फिर मेरी सुरत जाके उस किस्म की मेरी स्टेट ऑफ माइंड मेरी मानसिक अवस्था बना देगा। रहिंदा शब्द सारा यदि होर फरदर व्याख्या करता है यदि विचार आते समझ करा, अज वास्ते कोई समा समाप्त आ, भुलां गलतियां ना चितारियो, जे इत्थे समापन करिए कह देना जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।